आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, साइकिल का चेन अगर लूज हो जाता है तो उसे आप टाइट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, एकदम बिना मिस्त्री का आप टाइट कर सकते हैं, आप अपना घर में बैठे बैठे। जी हाँ, आज उसी के बारे में बताना। तो हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए किस हिसाब से आपको टाइट करना है, कौन हिसाब से टाइट करना है, ताकि दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दो रिंच ले लें, एक 14-15 नंबर का रिंग रिंच चाहिए, दिख ही रहे हैं। उसके बाद एक डार रिंच चाहिए 14-15 नंबर का। जी हाँ यार दोस्तों, सबसे पहले आप काफी अपना साइकिल को उलट लें ताकि आपको टाइट करने में आसानी हो, और चक्का रिंच लें। चक्का रिंच लेने के बाद सबसे पहले आपको फ्रीव्हील साइड का जो है ये नट को खोलना है। अगर डबल नट आपका लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एक नट खोल करके आप रख लें। उसके बाद अंदर वाले नट को ढीला करना है आपको। ढीला करने के बाद इस हिसाब से इसको आपको चक्का इधर ढकेलना है। चक्का देख रहे हैं मेरा चेन लूज है, चक्का इधर ढकले तो हल्का टाइट हुआ, इसी हिसाब से आपको फिर टाइट करना है इधर का, फिर इधर का नट आपको खोलना। सो इधर का नट आपको खोलना है। जी हाँ, नट खोलने के बाद फिर चक्का आपको इधर ढकेलना है, एकदम इस पर सटा देना है। जी हाँ, इधर ढकेलने के बाद फिर आपको नट को टाइट कर देना है। फिर एक बार आपको इधर का खोलना है। इधर का खोलने के बाद देखिए आपका चेन टाइट हो चुका है। जी हाँ, चेन आपका टाइट हो चुका है, देख ही रहे हैं, देखिए चेन टाइट हो चुका है। तो इसको आपको इसी तरह पकड़ के रखना है, इधर ढकल करके देख रहे हैं, देखिए इधर आपको ढकल करके इस तरह पकड़ना है। देखिए हमारा चेन लूज और टाइट हो रहा, तो इसी तरह आपको ढकल करके पकड़ के रखना है। उसके बाद आपको धीरे से इसको नट को टाइट करना है हिसाब से, ताकि मिलाने में दिक्कत ना हो। सो मैंने हल्का टाइट किया नट को, उसके बाद मैं घुमा करके देख लेता हूँ अपना पैडल को, ताकि ज़्यादा तो लूज तो नहीं रहा इस हिसाब से, देखिए इस हिसाब से। सो हल्का ज़्यादा टाइट है तो हल्का सा लूज करके इसको ढीला छोड़ेंगे, हल्का सा एकदम, देख रहे हैं आप, बस इस हिसाब से। फिर नट को इधर पूरा फुल टाइट कर देना, इस हिसाब से फुल टाइट कर दें। फुल टाइट करने के बाद चक्का घुमा के देख लें, चक्का सेंटर में है कि नहीं, चक्का को रोक करके इस हिसाब से दो उंगली अंगूठा वाला इस हिसाब से घुसा के देख लें। जिधर उंगली ज़्यादा घुस रहा है समझिए उधर में गैपिंग ज़्यादा है, उधर हर एक साइड में, जिधर नहीं घुस रहा उधर में गैपिंग कम है। तो इस चीज़ को आपको दोनों बराबर में बीच में करना है। तो इधर वाला नट खोल के करें, स्टैंड साइड वाला, जी हाँ अपोजिट साइड का। ये नट खोलने के बाद फिर इस हिसाब से मिला करके देख लें, ये जो दो उंगली है इस हिसाब से इसको मिला करके हल्का हल्का एकदम मिला करके, और इस उंगली से आपको पकड़ कर ठेल के एकदम सीधा बराबर में रखना चक्का बीचों बीच में, ताकि इधर घसते नहीं, और नट को टाइट कर लेना आपको। देख रहे हैं नट टाइट हो गया, उसके बाद मैं दोनों बूढ़ा उंगली को देख लेता हूँ, एकदम फिनिशिंग के साथ में हो गया, क्लियर हो चुका। बस इस तरह आप अपना घर का साइकिल का चेन को टाइट कर सकते हैं। सो मैंने दोनों नट एकदम फुल टाइट कर देना आपको, ताकि नट स्लिप ना हो उस हिसाब से, ताकि चलते वक्त फिर से चेन लूज ना हो जाए, चक्का खुल ना जाए। जी हाँ, सो ये क्लियर हो चुका है, आप देख ही रहे हैं, देखिए हमारा एकदम बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है, देख ही रहे हैं। तो सर आपको व्हील को घुमा करके देखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ठीक है जी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्री है। आपको साइकिल को सीधा कर लेना है इस हिसाब से, देख ही रहे हैं, हिसाब से सीधा कर लेना है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके आप तक और आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा।